संपूर्ण समाधान दिवस में अब्दुल्ला नगर मिल्किया के दर्जनों राशन उपभोक्ता तहसील मुख्यालय पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया तथा उप जिलाधिकारी रमेश बाबू को ज्ञापन देकर निलंबित दुकान को निरस्त कर गांव में खुली बैठक कर कोटा का प्रस्ताव कराए जाने की मांग की। मजे की बात तो यह है कि 5 अक्टूबर को संपूर्ण समाधान दिवस में जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को दर्जनों राशन उपभोक्ताओं ने राशन लाने की समस्याओं को बताकर गांव में कोटे का प्रस्ताव कराने की मांग की थी। ग्रामीणों ने बताया कि 6 महीनों में राशन उपभोक्ता राशन लेने के लिए कई गाँव के चक्कर लगा चुके हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने इस मामले पर ARO क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को जाँच सौंपी थी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक जाँच अधिकारी ने कोई भी आख्या जिलाधिकारी महोदय को नहीं सौंपी, जिस कारण राशन उपभोक्ता में रोष व्याप्त है। जब इस संबंध में जांच कर रहे क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ARO शाहजहांपुर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मैं अभी इस मामले की कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा, जब जांच पूरी तरह हो जाएगी तब कार्रवाई होती रहेगी। क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि उन्हें 6 महीने से चक्कर लगा रहे राशन उपभोक्ताओं की कितनी परवाह है। शाहजहांपुर से संवाददाता पुष्पेंद्र भदौरिया की स्पेशल रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? अब्दुल्ला नगर मिल्किया। ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इसका क्या रीजन है और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं और क्या कार्रवाई की गई है इस संबंध में? हमारे गांव का कोटा जो है 12 मई को निर्मित हुआ था, FIR हुई कोटेदार पे, और हमारा उद्देश्य है कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई हो और कोटा निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। इस संबंध में आपने कोई जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है? जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले एक SDM साहब यहाँ आए थे कलानी सुरेश कुमार, उनसे मिले, पूरा कोटेदार के पक्ष में बोल रहे थे, उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी और मतलब उन्होंने कहा जांच कराएं, कोई जांच नहीं कराई जाती।